ये है फर्स्ट क्वेश्चन। आइए इसको देखने से पहले हम लोग समझ लें कि डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है। देखिए, हमने एक्सप्लिसिट फॉर्म और इम्प्लिसिट फॉर्म पढ़ा। एक्सप्लिसिट फॉर्म मतलब वाई इज इक्वल टू समथिंग दिया रहता है, जैसे मान लीजिए साइन एक्स दिया रहेगा। एक तो ये हो गया जो सिंपल होता है, एक्सप्लिसिट फॉर्म कहते हैं इसे। एक होता है इम्प्लिसिट फॉर्म, जिसमें कि y को अलग नहीं कर सकते हैं, dy अपॉन dx इसको अलग अलग हम नहीं कर सकते हैं, तो उसी में से हमको फिर बाद में डेरिवेटिव निकाल के अलग करते हैं। तो वो इम्प्लिसिट फॉर्म था। और अब ये नया आया है जिसे हम लोग कह रहे हैं क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म। इसमें क्या होता है कि x और y में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है, x और y में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है, फिर भी dy अपॉन dx हमको निकालना है। तो ये किसी दूसरे लिंक से जुड़ते हैं, ठीक है। अब x का लिंक है t से और यहाँ पे y का लिंक है t से, तो जब x का t से लिंक है और y का t से लिंक है, तो जरूर y और x का भी लिंक हो ही जाएगा। कॉमन फ्रेंड, हमारा कोई फ्रेंड है और फिर आपका भी कोई फ्रेंड है, दोनों का कॉमन है, तो फिर हम में और आप में तो दोस्ती हो ही जाएगी, ज़्यादा संभावना है होने की। तो बस वही है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म डेरिवेटिव्स। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। आइए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे x का। वी हैव x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, तो a तो क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है और 2 भी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो हम जब कर रहे हैं इसका d अपॉन dt, पहले सीधे सीधे करते हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब देखिए पावर 2 है तो इधर आ जाएगा, तो 4 ए टी, यहाँ पे चेन रूल नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग टी के रिस्पेक्ट में एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे चेन रूल नहीं लगेगा, ये टी का ही फॉर्मूला है, ठीक। जब एक्स नीचे होता था तो एक्स का फॉर्मूला रखता था, अब टी नीचे है तो टी का फॉर्मूला लगा है, तो 2 2 जा 4 80, क्योंकि ए जो है वो कांस्टेंट टर्म है, 2 भी कांस्टेंट टर्म है, 2 आया, 2 2 जा 4 80। अच्छा, वैसे ही हम क्या करेंगे कि वी हैव वाई इज इक्वल टू 8t की पावर 4, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो करते हैं डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या, डी अपॉन डी टी ए टी की पावर 4। चलिए निकाल देते हैं इसको, तो ये निकालते हैं तो क्या होता है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी टी दिस इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू क्या, 4 a t³। ये हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, यानी कि डी वाई ऊपर डी एक्स नीचे, तो हम क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, या देखिए डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या, डी वाई अपॉन डी टी हमारे पास क्या है, डी वाई अपॉन डी टी तो यहाँ पे आया ना, 4 a t³
और डी एक्स अपॉन डी टी कहाँ आया, ये 480, 480, ये देखिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। आप लोग तो समझ ही रहे हैं कैसे हुआ ये, उधर जाके अब देखिए ये 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, dt, तो dt से जब इसमें भाग t से जब इसमें भाग देंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर, तो डिवाइड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दिस इज आर आंसर। आई होप आपको पहले ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अगर आ गया तो वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इसे अपनी नोटबुक पर नोट करें। एक मिनट, थोड़ी सी भूल सुधार, ये एक्सरसाइज 5.6 है, नॉट 5.5। तो ये हुआ हमारा, अब वीडियो को पॉज कर लीजिए। नंबर सेकंड, आइए इसे देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे भी वही, वी हैव एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या, अब डायरेक्ट किया जाए, डेरिवेटिव निकाला जाए, तो ए का तो ए ही हो जाएगा और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक। नाउ वी ऑल्सो हैव वाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस बी साइन थीटा, ठीक। तो अब क्या, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट देख लें आपको दिख रहा है कि नहीं, नीचे बहुत ज़्यादा हो गया है, हाँ दिख रहा है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू क्या, ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, बी अपॉन ए, दिस इज आर आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 भी यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू कॉस 2t, सॉल्यूशन वी हैव x इज इक्वल टू साइन टी, डिफ्रेंशिएट
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी। ठीक, ये हो गया फर्स्ट। अच्छा अब नाउ वी ऑल्सो हैव क्या है y इज इक्वल टू कॉस टू टी, तो अगर y इज इक्वल टू कॉस टी है टू टी है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा dy वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू इसका जब करेंगे तो माइनस साइन टू टी, लेकिन ये तो टी के लिए है ना फॉर्मूला, और हमने लगा दिया टी की जगह पर टू टी, तो एक बार टू टी का भी करेंगे यानी चेन रूल, तो टू टी का करेंगे तो टू आ जाएगा, तो ये माइनस टू साइन टू टी। अच्छा तो ये हो गया सेकंड। ठीक, तो अब क्या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या डी वाई अपॉन डी टी माइनस टू साइन टू टी अपॉन कॉस टी, तो ये क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो इधर ही रहने दीजिए, और साइन टू टी को लिख सकते हैं टू साइन टी कॉस टी। अब देखिए टू से टू में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस फोर हो जाएगा, समझ में आ गया आपको साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना कॉस टी, सॉरी कॉस टी, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, माइनस फोर अब ये कॉस टी से तो कॉस टी खत्म हो गया तो साइन टी। दिस इज आर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड समझ में आ गया होगा, अगर ऐसा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे अपने नोटबुक पर नोट कीजिए। नंबर फोर है, आइए इसको भी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, वी हैव एक्स इज इक्वल टू 40, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, देन वी हैव डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब इसका करेंगे अगर हम तो 4 हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 1 है 1, और 1 माइनस 1 0 यानी कि 1 हो जाएगा, तो ये हो गया दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब नाउ वी ऑल्सो हैव वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वाट, तो ये 4 एंड दिस इज माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर। अब कैसे होगा ये देखिए, 4 तो 4 ही हो गया कॉन्स्टेंट टर्म में, 4 तो 4 ही रहा, और ये टी क्या है, टी का मतलब 1 अपॉन टी का मतलब माइनस
वन टी की पावर माइनस वन, अब ये माइनस आएगा आगे तो माइनस फोर हो जाएगा, ये माइनस वन आएगा आएगा, और माइनस वन और माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, यानी टी की पावर माइनस टू, माइनस टू यानी कि नीचे टी स्क्वायर, ये इस तरीके से हमने किया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी क्या है, माइनस फोर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, फोर। तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब कि नीचे वन है, तो माइनस फोर अपॉन टी स्क्वायर इन टू वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर यही तो है, तो फोर से फोर कैंसिल हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, दिस इज आर आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर, आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर ऐसा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे अपने नोटबुक पर नोट कीजिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। एक बात याद रखिए, हमारा उद्देश्य आपकी पढ़ाई में मदद करना है, ठीक, तो समझाने की कोशिश करना है, अंतोगत्वा करना तो आपको ही है, पढ़ना तो आपको ही है, ठीक। तो कॉपी पेन लेके ही हमारे वीडियो के पास बैठिए, नोट कीजिए हम जो बता रहे हैं उसको, और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हमारा वीडियो देखिए। जैसे मान लीजिए फाइव नंबर क्वेश्चन है, तो पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद अब हमारे वीडियो में देखिए कि क्वेश्चन नंबर फाइव कैसे सॉल्व किया गया, फिर समझने की कोशिश कीजिए, इस तरीके से पढ़ाई होगी मैथ की, ठीक। तो आपको, हम तो केवल आपको समझाने के जिम्मेदार हैं, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं, वी हैव एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इसका अलग निकलेगा इसका अलग निकलेगा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये माइनस है पहले से, और कॉस टू थीटा क्या होगा माइनस, तो माइनस और पहले से ये माइनस है, इसका माइनस होता है कॉस टू थीटा का माइनस टू साइन थीटा होगा, माइनस साइन टू थीटा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन टू थीटा, लेकिन ये तो है नहीं, ये तो थीटा के फॉर्मूला पर हमने टू थीटा रख दिया, थीटा वाली जगह पर हमने टू थीटा रख दिया, तो एक बार टू थीटा का भी करेंगे चेन रूल लगा के, यानी कि टू हो जाएगा, तो ये हुआ हमारा। तो इसको थोड़ा सा और सुधारने की गुंजाइश है, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट। एंड नाउ वी ऑल्सो हैव व्हाट वाई इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, देन डिफ्रेंशिएट विद डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन व्हाट वी विल गेट डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा को जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा,
माइनस है तो माइनस, साइन टू थीटा यानी कॉस टू थीटा, लेकिन ये तो थीटा का फॉर्मूला हुआ, हमने थीटा की जगह पर टू थीटा रख दिया तो एक बार चेन रूल लगेगा तो टू थीटा करेंगे तो टू, ये दिस इज आर सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इधर देख लेते हैं भाई, जब इतनी जगह है तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या, डी वाई अपॉन डी थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा कि टू कॉस टू थीटा, टू कॉस टू थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा टू साइन थी टू थीटा, टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, बस हो गया है। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या, यही कॉस थीटा माइनस टू साइन सॉरी कॉस टू थीटा अपॉन टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज आर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा, अगर ऐसा है तो वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट करें। हम लोग देख अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आइए इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। वी हैव x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए तो कॉन्स्टेंट टर्म है तो ए ही रह गया, अब थीटा का निकालेंगे तो वन हो जाएगा माइनस, साइन थीटा का निकालेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। अच्छा तो एक बात याद रखिए, डी थीटा इज इक्वल टू ए, अच्छा इसको बाद में करते हैं हम लोग, चलिए यहीं पे फर्स्ट हम लोग कर देते हैं। फिर है अभी बताएंगे आप लोग को क्या हम करना चाह रहे थे। वी ऑल्सो हैव व्हाट वाई इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट टर्म है, वन का करेंगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, प्लस माइनस में होता है डिफरेंशिएट करना पड़ता है तो जीरो हो जाता है, ये कॉस थीटा को हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये निकल के क्या आया डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। अच्छा ये हो गया हमारा सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो डी वाई अपॉन डी थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा माइनस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये ए वन माइनस कॉस थीटा। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये साइन थीटा, अगर कहीं हम ऐसा देखें
वन माइनस कॉस थीटा देखें तो तुरंत इसको हाफ एंगल में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। तो जब इसको हम बदलेंगे हाफ एंगल में तो इसको भी हाफ एंगल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन टू हाफ थीटा। तो साइन टू हाफ थीटा क्या, साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन हाफ थीटा कॉस थीटा, तो टू साइन हाफ थीटा कॉस हाफ थीटा। अब देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर है तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ ए से ए कैंसिल हुआ, टू से टू कैंसिल हुआ, इस साइन हाफ थीटा से यहाँ दो साइन हाफ थीटा तो एक साइन हाफ थीटा कैंसिल हो गया तो माइनस कॉस हाफ थीटा यहाँ पे बचा। यहाँ पे साइन हाफ थीटा बचा, दोनों मिला के क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा माइनस कॉट हाफ थीटा। दिस इज आर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे अपने नोटबुक पर नोट कीजिए। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.6 का एनसीईआरटी बुक में क्लास 12th एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दें। तो हम अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि 7, 8, 9, 10 एंड 11 यानी कि 5 क्वेश्चंस और होंगे। तो तब तक के लिए, जब तक कि हम अपना अगला वीडियो नहीं लाते हैं, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।